ये कहानी एक रेस्टोरेंट की, जहाँ का नाश्ता बड़ा फेमस था। सुबह सुबह बहुत भीड़ आती थी। उस भीड़ में एक आदमी आता था, चुपके से खाना लेता था, नाश्ता करता था, बिना पैसे दिए निकल जाता था। एक आदमी 3-4 दिनों से नोटिस कर रहा था, उसे रहा नहीं गया। वो गया उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास और जाकर के बोला कि भाई साहब, कोई आता आपको चूना लगा के चला जाता, आपको पता ही नहीं चल रहा। उसने बोला, भाई साहब क्या हो रहा है? तो उसने बताया कि एक आदमी आ रहा है, फ्री में नाश्ता करता चला जाता है। रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा कि ऐसा बताने वाले आप पहले नहीं है, मुझे बहुत लोगों ने बता दिया। और जब पहली बार मुझे मालूम चला तो मैंने उस आदमी का पीछा किया, वो पास के ही सिग्नल पर भीख मांगता है। ना मैंने आज तक उसकी इंसल्ट की, ना डांटा, ना उसे कुछ बोला। वो आता है, नाश्ता करके चला जाता है। आपको पता है, जो भीड़ है सब उसी का कमाल है। उस आदमी ने कहा, क्या बोल रहे हो? उस आदमी के से यहां पर भीड़ आ रही है? बोले, हाँ, मैंने एक दिन देखा था, वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर के प्रार्थना कर रहा था ऊपर वाले से कि भीड़ आ जाए तो मैं जाऊं और चुपके से नाश्ता करके फ्री में निकल जाऊं। ये भीड़ उसी की वजह से तो आती है, उसी की प्रार्थना की वजह से आती है। सामने वाले की आंखें खुल गई। लाइफ में आपको लगता है कि सब आपकी वजह से हो रहा है, नहीं, कई बार दूसरों की दुआओं की वजह से, प्रार्थनाओं की वजह से चीजें हो रही होती हैं। शुक्रिया अदा करना, थैंक यू बोलना शुरू कीजिए, ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कीजिए।